नमस्कार दोस्तों, शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के बीच में हम लेकर आए हैं एम्पलीफायर 4440 का, जो कि आज मैं इसमें चेक कर रहा हूं तो इसमें बेस ट्रेबल काम नहीं कर रहा है। तो एक बार आपको हम चेक करके दिखा देते हैं। Play by USB drive. और बात यह भी है कि दोस्तों, इसको मैंने बिल्कुल कम कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया हूँ वॉल्यूम को, फिर भी हल्का हल्का आवाज़ सुनाई दे रहा है। और लेकिन ये बेस ट्रेबल काम नहीं कर रहा है, और एक चैनल पे काम कर रहा है और दूसरे चैनल पे काम नहीं कर रहा है। लेकिन इस पे जो काम नहीं कर रहा है ये बेस ट्रेबल, तो इस पे आवाज़ बहुत ज़्यादा है लेकिन फटी फटी है। देखिए, खोलूँगा तो आवाज बिल्कुल बेकार आ रहा है। आवाज भी कम कर चुका हूँ, बिल्कुल बंद कर चुका हूँ, फिर भी ये कम नहीं हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आप देख चुके हैं, अब क्या करूंगा, इसको मैं खोल रहा हूँ प्लेट को। अब मैं एम्पलीफायर को ऑन कर ले रहा हूं। मैं ऑक्स पकड़ लिया हूँ ताकि मेरा आवाज़ सुनाई देगा जो भी बोलूँगा, ठीक है। और इसका मैं ऑडियो देख ले रहा हूँ। आज मेरा इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है, लग रहा डाउन हो जाएगा बैटरी। और यहाँ इसका ऑडियो बन रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 548 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और ये है एमिटर, और ये है बेस, और ये है कलेक्टर। तो कलेक्टर वाला काम नहीं कर रहा है। तो आपको मैं एक बार इसमें वोल्टेज हम चेक कर ले रहे हैं, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि इसमें वोल्टेज इसमें कितना शो हो रहा है। तो हम डीसी पे कर ले रहे हैं मीटर को, देखिए 20 पे सेट कर लिया है इसको। और हम यहाँ पे चेक करेंगे इसको कि वोल्टेज यहाँ पे 548 नंबर ट्रांजिस्टर पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्टेज के आसपास मिलना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे 5.71 आ रहा है, 5.71। और यहाँ पर हम देख ले रहे हैं कितना काम कर रहा है, 0.62। अब क्या करेंगे, ये काला पोल को मैं ग्राउंड लगा के देख ले रहे हैं ग्राउंड में, और तब हम चेक कर रहे हैं कि क्या काला पोल में ग्राउंड में लगा कर क्या उतना ही शो कर रहा है कि अलग ही शो कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम यहाँ लगा दे रहे हैं ग्राउंड में, क्योंकि बॉडी में लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो बॉडी में लगा चुका हूँ, थोड़ा दूर पड़ जा रहा है, ताकि अब दिखा दो आपको। देखिए, बॉडी में लगा चुका है, नट में लगा है, स्क्रू में, ताकि यहाँ से अर्थिंग मिलेगा काला पोल में। और यहाँ 5.72, वही बात है कि 5.72 वोल्ट, लगभग 6 वोल्ट के करीब मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं एक और ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसके
कलेक्टर पर देख लेने 5.74 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 64 आ रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। तो दोनों में अंतर हो जा रहा है, क्योंकि दोनों 548 नंबर का ट्रांजिस्टर है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें ज्यादा मिल रहा है। तो दोस्तों क्या बात है कि और वोल्टेज इधर के सही है, इधर के सही है, इधर के भी नहीं सही है। तो इसी से रिलेटेड कोई सामान खराब है, जैसे मान लीजिए इधर जो सामान गया हुआ है, कुछ ना कुछ सामान जो कुछ खराब है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कैपेसिटर, जो कि ये कैपेसिटर लगा हुआ, देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको हम निकाल कर बाहर में, क्योंकि इसके पहले करीब में यही लगा हुआ है, तो पहले यही लगा हुआ, तो पहले इसी को हम चेक करेंगे, उसके बाद हम दूसरे जगह जाएंगे चेक करने के लिए। तो यहाँ पे 100 UF 16 वोल्ट, 100 UF 16 वोल्ट में लगा हुआ है, और अभी दिखाई दे रहा है कि ऊपर से सही लग रहा है, लेकिन हम इसे एक बार चेक कर ले रहे हैं कि क्या ये सही बता रहा है, नहीं बता रहा है, शॉर्ट तो नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, अब सीधे हम लगा दे रहे हैं डायोड रेंज पर। तो डायोड पर हमने सेट कर लिया है, और इसको चेक कर रहे हैं, देखिए क्या बता रहा है, सही खराब है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा है, इसको घुमा ले रहा हूँ तो भी नहीं बता रहा है, अभी घुमा ले रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं बता रहा है। लेकिन ये ऐसे इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो ये मेरे पास एनालॉग मीटर है, और एनालॉग मीटर को हम इससे चेक करेंगे। क्योंकि बहुत आजकल ऐसे मिस्त्री हैं, कारीगर हैं, जो एनालॉग मीटर ही चलाते हैं। तो हमने इसको क्या किया है, पहले हम इसको हम सेट कर ले रहे हैं, क्योंकि हम इसको सेट करना पड़ता है जब स्टार्ट होता है, तो इसको चेक करना पड़ता है कि क्या ये सुई बराबर जा रहा है कि नहीं, उतने पर लास्ट पर, तो लास्ट पर सुई जा रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, अब इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम चेक कर रहे हैं, तो ये खराब बता रहा है, बहुत मामूली चल रहा है, बहुत मामूली, तो 100 UF 16 वोल्ट में है ये। अब ये मेरे पास 100 UF 25 वोल्टेज में है, और वो 16 वोल्ट में था, तो इसको हम लगा कर देख ले रहे हैं, एक बार चेक करेंगे तब लगाएंगे, ठीक है। तो लगाने से पहले इसको कार्बन को हटा दे रहा हूँ, ताकि ये बढ़िया से सोल्डरिंग पकड़ लेगा, और इसको हम चेक कर ले रहे हैं एक बार, काला पोल को हम चेक करेंगे फिर से, इसको काला पोल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये चल रहा है और ये चल रहा है, ठीक है, तो ये चल रहा है और 100 UF में है। और अब इसी को हम फिर इसे चेक करते हैं कि क्या ये बता रहा है, सही कि खराब बता रहा है। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छी तरह से जान जाइए, क्योंकि दोस्तों हमारा ये काम है बताना। और इसको देखिए मीटर कंटिन्यू शो हो रहा है, लेकिन आकर चला जा रहा है, तो ऐसे आकर चला जा रहा है तो समझिए ये सही है, यदि नहीं ऐसे कर रहा है तो समझिए खराब है। तो एक बार आया और आकर नंबर शो होकर चला जाता है, तो ये सही है वो वाला खराब, ठीक है, इसको हम लगा दे रहे हैं। Drive.
तो दोस्तों आप देख चुके हैं कि ऊपर वाला काम नहीं कर रहा था, अब काम करने लगा वॉल्यूम, अब बिल्कुल सही हो चुका है। दोस्तों वीडियो बनने के लिए आपको धन्यवाद करता हूं और अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स।